फ्लाइट फोबिया के बारे में मैं आपसे आज बातचीत करने वाला हूँ। ये वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। दिल्ली का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आज मेरे पास में आए, उम्र करीब करीब 45 साल की, और उनको ये प्रॉब्लम है कि अचानक एक दिन ऐसा हो गया कि वो दिल्ली से बॉम्बे में फ़्लाइट में जा रहे थे, और जैसे ही फ्लाइट ने हवा में उड़ान लिया तो एकदम उनको ऐसी बहुत सारी घबराहट हो गई। उनको लगा कि अभी क्या हो जाएगा, मेरा सीना फट जाएगा, मेरा हार्ट इतना ज़ोर ज़ोर से धक 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 कर रहा है, इतना पालपिटेशन, इतना हाथ कांपने लगे, इतना पसीना आ गया उनको, और उनको भी समझाने अभी क्या करूँ क्या नहीं, तो इतने बेचैन हो गए। उनको लगा कि मेरे को अटैक आ जाएगा, मैं मर जाऊँगा। इतनी घबराहट, इतना बेचैनी, इतना एंग्जाइटी, उन्होंने एयर होस्टेस को बुलाया कि भाई मुझे कुछ तो भी करो, डॉक्टर को बुलाओ, मैं मर जाऊँगा, ऐसा मुझे लग रहा है। पहली बार ऐसा उनको पैनिक अटैक आ गया। जैसे ही वो एयर होस्टेस ने उनको कुछ तो भी जूस वगैरह पिलाने को दिया, क्योंकि वहाँ ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते थे, वैसे ही ये सब होते होते बॉम्बे आ गया, और वहाँ वो हवाई जहाज उतर गया। बाद में वो डॉक्टर के तरफ गए, सब इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल थे। डॉक्टर ने बोला ये आपको पैनिक अटैक आया हुआ है, और वो हवाई जहाज में पैनिक अटैक आया। अब उनको बैठ गया फ्लाइट का फोबिया, अब वो जाने ही नहीं चाहते फ्लाइट में, बोलते मैं फ्लाइट में जाऊँगा और अटैक आ गया तो कैसा होगा। अब उनको बार बार हवाई जहाज में जाना पड़ता है अपने बिजनेस के लिए, उनको सिंगापुर जाना पड़ता है, चाइना जाना पड़ता है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स है, वैसे नेशनल फ्लाइट्स भी है, जैसा बंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, हरदम जाना पड़ता है। और बोले कि अभी मैं तो पिछले 2 साल से इसमें परेशान हूँ, और मुझे तो अभी प्रॉब्लम ही हो गया, मेरा धंधा अभी बैठ जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। अब ऐसा हो गया कि उनका यदि प्लान भी उन्होंने किया कि फ़्लाइट में जाने का प्लान है, तो वो प्लान है करके उनका अभी धड़कन शुरू हो जाती है, एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। मतलब जैसा वो हवाई जहाज के मतलब एयरपोर्ट की तरफ, हवाई अड्डे की तरफ जाते हैं, तो घर से भी निकल गए तभी उनको ऐसा लगता है कि अभी अपने को कुछ हो जाएगा, घरानी वो टिकट कैंसिल कर देंगे, घर पे वापस आ जाए। अब ये व्यक्ति आने के बाद में मैंने उसको पूछा भी आपने दवाई वगैरह क्या क्या लिया, तो उनको काफ़ी सारी दवाइयाँ दिया था, काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशन उनके हो चुके थे, सब नॉर्मल थे, हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं था, और तभी भी उनको ये प्रॉब्लम तो हो ही रहा है, और उनका उसका धंधे के ऊपर असर हो रहा है। क्योंकि अभी जब हवाई जहाज से उनका कार्यक्रम है घूमने फिरने का और बिजनेस करने का, और उसका ही अभी फोबिया हो गया तो भी कैसा क्या। तो उनको मैंने बोला कि भाई मेरा ऐसा ऐसा प्लान रहेगा, आपके पास में मैं आपको दवाई देता हूँ, आप जब हवाई जहाज में मतलब हवाई अड्डे पर जाने के लिए निकलेंगे घर से, तो ये दवाई जबान के नीचे रख दो, वैसे वो पिघल जाएंगी और आपको काफ़ी क्वाइट लगेगा, एकदम रिलैक्स लगेगा, ताकि आप आराम से जा सकोगे, सफ़र कर सकोगे, नंबर एक। नंबर दो, मैं हरदम के लिए आपको जो वैसा भी अभी उनको सफ़र भी नहीं कर रहे, ट्रैवल भी नहीं कर रहे, तभी भी उनको थोड़ा सा एंग्जाइटी ऐसे फीलिंग आ रहे थे, ऐसा डर लग रहा था, नींद बराबर नहीं हो रही थी, उसके लिए भी उनको मैंने कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब किया कि भाई ये दवाई आप रोज़ के लिए ले लो। और तीसरा मैंने बताया कि भाई आप सेल्फ हिप्नोटाइज खुद को करो, सेल्फ हिप्नोसिस करो, और उसमें सेल्फ विजुअलाइजेशन करके आपका डिसेंसिटाइजेशन करो, ताकि वो इमेजिनेशन में देखो कि आप हवाई जहाज में सफ़र कर रहे हैं, और हवाई जहाज में जब जा रहे हैं आप यहाँ बैठे हो, घर में बैठे हो, और घर में बैठ के सोच क्या रहे हो कि आप हवाई जहाज में हो, सफ़र कर रहे हो, मे बी बॉम्बे टू गोवा, गोवा टू दिल्ली, दिल्ली टू कहाँ भी, आप जहाँ भी जाते हो सफ़र कर रहे हैं, और आप एकदम रिलैक्स है, एकदम रिलैक्स है, पूरा बदन रिलैक्स करने का है घर में बैठे बैठे, और वो वहाँ जाने का है, मतलब वहाँ जा रहे ऐसी कल्पना करने का कि अपन वहाँ इमेजिनेशन में वहाँ जा रहे, घूम रहे हवाई जहाज में, ये प्रैक्टिस करने के लिए उनको मैंने बोला। वैसे ही वहाँ जब ऐसा अटैक आ जाएगा, तो वहाँ अटैक आ जाएगा तो आप खुद के साथ में कुछ कॉन्वर्जेशन करते होंगे, खुद के साथ में स्पर ऑफ द मोमेंट, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कुछ कॉन्वर्जेशन होता है, और वहाँ से फिर सिम्टम चालू हो जाते। मतलब कि वहाँ भी स्पर ऑफ द मोमेंट, वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है, वहाँ कॉन्वर्जेशन करना कि अभी मुझे जो आ रहे हैं विचार है, ये थाट्स है, और आपके थाट को भी ऑब्जर्व करो, साक्षी भाव से ऑब्जर्व करो, और ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उनका ऐसा पूरा मैंने प्लान बताया, और उनको मैंने बोला कि पक्का आपका ठीक हो जाएगा, और ये पूरे फोबियाज है या पैनिक अटैक्स है, ये यही मेथड से ठीक होते। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ताकि काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम है, किसको कार में जाने का प्रॉब्लम है, किसको ट्रेन में जाने का प्रॉब्लम है, किसको बाइक पर जाने का प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा लोगों को कोई भी व्हीकल में जाने का, सफ़र करने का प्रॉब्लम है, उनको बहुत मदद हो जाएगी इसके ये वीडियो से। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो हॉस्पिटल है वहाँ लोग खुद आके इलाज कर लेते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन हमसे करते हैं और इलाज करवा के लेते हैं। आप भी
ये वीडियो शेयर करो ताकि लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। लोग तो हमको ये बोलते कि आपका वीडियो देख के हमको अच्छा लगने लगा, मतलब बहुत ही अच्छी बात है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।